सब रिकॉर्ड हो रहा है वो भाई। ये क्या बोले? बंद कर यार, तेरे साथ ये चक्कर बहुत है यार। ये क्या बोले? बोले मिलते कह लेते और नीचे वर्क के लिए जा रहे हैं। एलिफेंट वाला वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक नया पेंटिंग यहाँ पे बनाना है। जो दूसरी पेंटिंग है वो है ट्रेन की पेंटिंग बनानी है, जो ओल्ड ट्रेन है, बहुत ही पुराने ट्रेन है, जो मैंने तो कभी नहीं देखी और शायद आपने भी नहीं देखी होगी, और कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने देखी होगी। बहुत पुरानी ट्रेन है, बहुत क्रिएटिव है, उसको 3D में बनाना है। जो हमने पैटर्न लिया है गोल्डन एंड ब्लैक, लेकिन मैंने कुछ इस पर कल वर्क किया था, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आज उसको वापस एक्रेलिक में करूँगा। कल ऑयल में कर रहा था, एक्रेलिक में करूँगा। यहाँ पे आना, हम घूमने का सीन थोड़ा कम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो कोरोना है उसकी वजह से हम ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, अभी होटल में ही हैं और ज़्यादा घूमते नहीं हैं। हल्का फुल्का बस सामान लाते हैं और रिटर्न आ जाते हैं, तो हम ज़्यादा जाते नहीं हैं, इसीलिए हम यहाँ के आसपास इसे दिखा नहीं रहे। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ यहाँ की जगह दिखाएं। तो चले एक और ऐसी सुपर पेंटिंग बनाने, जैसे कि आपने पहली पेंटिंग देखी थी उसी तरह की एक अच्छी खतरनाक पेंटिंग बनाने। नई वाली जो पेंटिंग है वो ओल्ड ट्रेन पेंटिंग है, यानी बहुत पुरानी पेंटिंग है, जो मैंने स्केच रात को बना के ऑलरेडी तैयार कर दिया था। रात को लाइट ना होने की वजह से मैं इसको सूट नहीं कर पाया। मैं फ़िलहाल इस पर ऑयल कलर यूज कर रहा हूँ, जो एशियन के फ्रेंड्स है, ऑयल कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, येल्लो कलर, ये कलर अभी यूज कर रहा हूँ जो ऑयल कलर है, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स हैं और टाइल्स पे हमने ब्लैक कलर कर रखा है, तो यहाँ पे एक्रेलिक भी दिक्कत आ सकती है, तो हम वो ये टेक्निक यूज करेंगे। ये इसका फाइनल स्केच है जो दूर से आप देख सकते हैं। इस पेंटिंग में मेरे को गोल्डन मेटेलिक फील देना है, तो इसके लिए मैं गोल्डन कलर यूज कर रहा हूँ। गोल्डन कलर के साथ व्हाइट, येलो, ब्लैक, ये सभी कलर यूज कर रहा हूँ कि इसमें इफेक्ट डाल सकूँ, और ये करना भी पड़ता है। मैंने इस पेंटिंग में फुल ऑयल कलर यूज कराया है, जो आप देख रहे हैं पूरा गोल्डन कर दिया, लेकिन इस पेंटिंग में ऑयल कलर से शायद नहीं आ पा रही थी, तो मैं वापस से एक्रेलिक कलर यूज करूंगा। सूखने के बाद मैंने नेक्स्ट डे इसको जब देखा तो मेरे को लगा कि इस कलर से वो सेट्स नहीं आ सकती, तो मैं एक्रेलिक कलर यूज कर रहा हूँ जो मैं और पेंटिंग में यूज करता हूँ। उसके लिए टाइल्स पे एक्रेलिक कलर रुकता नहीं है, तो मैं इसके लिए वार्निश में कर दूंगा ताकि लेमिनेट का काम करे और ये पेंटिंग खराब नहीं हो। ये ट्रेन पुराने जमाने की ट्रेन है, जो बहुत पहले चला करती थी, अभी तो है भी नहीं। काफ़ी यूनिक लगती है, इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी दिखती थी, अब अच्छी दिखती है, पहले तो सभी को सिंपल लगती थी, लेकिन अभी लोग इसको अलग अलग तरह से प्रिंट निकालते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, हर तरह से जो है बना के इसको यूज करते हैं और अपने घरों में या अपनी दीवारों को सजाते हैं। मैंने भी इस पेंटिंग को एक डिफरेंट डिज़ाइन में तैयार करा है, और इसको मैं एक मेटेलिक फील में पूरा तैयार कर रहा हूँ। आप पूरी बनने के बाद आप खुद देखेंगे कि एक गोल्डन मेटेलिक कलर की जो है एक ट्रेन दिख रही है, जो ऐसी होती तो नहीं है, लेकिन अपन आर्ट है तो अपन डिफरेंट कर सकते हैं, एक यूनिक चीज़ बना सकते हैं। तो ये पूरी बनने के बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, फिलहाल आप इनसे मिलिए। कैसे हैं गाइस? आज फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले, और हमारे साथ हैं रॉक जबरदस्त इंसान, जिससे अपन मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं, और आज अपन फिर से इनसे कुछ ना कुछ अपन सीखते रहेंगे। तो आज फिर से अपने साथ हैं जॉइन बनाना जैसे, तो आज फिर इनसे कुछ बातें करते हैं। पिछले वाला वीडियो आपने काफी सराहा है और अच्छा लगा हमें भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर इनसे कुछ सीखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, दिस इज क्रिएटिव कुमार एंड यू आर वॉचिंग राज आर्ट स्टाइल।
So we do interior projects, cafe designing, resto, rooftop, you know, something different we produce. We have a production house, own team, own artists. We rock the show. So this is Creative Kumar, and we working from last 7 years. So it's so crazy. It's a great experience. I know. I have a big experience for Satman. He's done a lot of things actually. He's completed like 20 to 30 projects almost in, you know, wall painting or terms of interior designing or cafe designing. So it was great experience. We do design from the scrap. We create the place from the scratch. We do something, you know, outstanding like never seen before. We create rustic interior. We do wall designing, floor designing, ceiling designing. We create outstanding chandelier, the biggest one chandelier we just created in Goa last few months ago. ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए हैं कि जो देखते हैं उनको ये सोच देख के ये सोचते हैं कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है. और हमने पूरी टीम ने, जैसे कि इनकी बहुत बड़ी टीम है, हम सब ने मिलकर ऐसे ऐसे रूम्स क्रिएट करे हैं, ऐसे ऐसे होटल, बियर बार, पब डिजाइन करे हैं जो शायद और किसी के बस की बात नहीं है. क्योंकि हम डिफरेंट करते हैं, हम चलते हैं आर्ट पे, जो क्रिएटिव आर्ट जो होती है उसी पे काम करते हैं. सब रिकॉर्ड हो रहा है वो तेरे साथ ही चक्कर वो होते हैं. ये है दीपक, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत बस ये इसकी गलत बात है, दारू बहुत पीता है. इसकी हमारे को दारू छुड़ानी है. दारू छुड़ाने के आप तरीके बता सकते हैं, कितने कितने तरीके होते हैं. दीपक कुछ बोलो अपने बारे में, क्या आप दारू क्यों पीते हो बहुत ज्यादा? मैं दारू तो पीता ही नहीं हूँ. अरे झूठ झूठ, कल मैंने देखी और वो और कौन कौन सो के सारे ये दारू नहीं पीते, विस्की वगैरह पीते हैं, इनका थोड़ा स्टैंडर्ड है. अरे एक तो है ना, ये है ना, नहीं एक बार देखो अपन ठीक दिख रहे हैं, चेहरा ही नहीं दिख रहा. और कहा गया ना, बाकी कल देखेंगे. ओके गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. बाय.